पीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मऊ में सुभाषता के स्थापना दिवस पर पहुंचे अखिलेश यादव, बोले बंगाल में खेला हुआ यूपी में खदेड़ा होगा। मऊ की जनसभा में एक और जहां सुभाषपा प्रमुख ने अखिलेश यादव को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने की अपील की, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने मंच पर माइक संभाला तो भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने सुभाषपा को 19वें स्थापना दिवस समारोह पर मंच से संबोधित भी किया। इससे पूर्व लखनऊ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक साथ विमान से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से मऊ की जनसभा के लिए रवाना हो गए। मऊ में सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर मंच से दोनों नेताओं और दोनों दलों में एकता का प्रदर्शन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सुभाषपा प्रमुख ने अखिलेश यादव को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने की अपील की, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने मंच पर माइक संभाला और तो भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में मैदान में चारों तरफ पीला और हरा रंग झंडा दिखाई दे रहा है, या देख दिल्ली और लखनऊ में बैठे लोग लाल पीला हो रहे होंगे। यह ओम प्रकाश राजभर जी अपने तरफ से जान रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ है उसी तरह प्रदेश में खदेड़ा होगा। प्रदेश में अब तो गठबंधन हुआ है, उससे भाजपा का सफाया होगा। भाजपा ने जो अब सपने दिखाए झूठ बोलकर जनता को बरगलाया, अब झूठ बोलने वालों की कोई साजिश दलित और पिछले वर्ग वालों पर सफल नहीं होगा। कोरोना संक्रमण काल में गरीबों को अनाज छोड़ दिया गया, अब मेडिकल कॉलेज खोले गए, उद्घाटन कर दिया गया, पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी मौजूद नहीं। अब लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वाले प्रदेश के लिए झूठ बोल रहे हैं। किसान हितों को लेकर भी सरकार पर हमला नजर आए। अखिलेश यादव ने किसान हितों की अनदेखी को लेकर सरकार पर हमला किया, साथ ही जनहित के मामलों को लेकर सरकार की उपेक्षा और बेलगाम होती महंगाई से जनता से प्रभावित होने को प्रमुख से रखा। किसान हितों को लेकर कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दुगुना करने का वादा किया था, लेकिन अब फसल की जगत लागत दुगुनी हो गई, खेती अब फायदे का सौदा नहीं रही, लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हक मांगने पर किसानों पर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, मंत्री को अभी भी हटाया नहीं गया, आखिर जनता को कैसे मिलेगा न्याय। पीपी न्यूज 24x7 स्पेशल टेस्ट के श्री कुमार प्रजापत की खास रिपोर्ट। जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय बाबूराम पाल जी आपके मंच पे आ रहे हैं, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी आपके मंच पे आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नेता का स्वागत करना है, जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए, जोरदार तरीके से ताली बजाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय भाजपा जिंदाबाद, 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 माननीय उनका भाजपा जिंदाबाद, 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 भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 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 मोर्चा जिंदाबाद, 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 भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 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 माननीय उनका भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 बाबूराम पाल जिंदाबाद, 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 माननीय प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, जिंदाबाद। नेता जिस नेता का इंतजार आप कर रहे थे आपके बीच में पधार चुके हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, एक चाइटा कारा लगाइए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय उनका साझा जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद, 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 जय सुहलदे, जय सुहलदे, जय सुहलदे, संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, 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 सुहलदे भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 माननीय उनका साझा जिंदाबाद, 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 माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 जय सुहलदे, जय। आपके नेता देख लीजिए, जिस नेता को इंतजार में आप लगे हुए थे आज इस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, ऐसा संदेश आज इस पूर्वांचल की धरती से आज यहाँ उमड़ी हुई जन सैलाब दे रही है। तो साथियों, ऐसे उत्साह के साथ आपको नारा लगाना है, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 माननीय उनका साझा जिंदाबाद, 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 जय सुहलदे, जय सुहलदे, जय सुहलदे, जय सुहलदे, माननीय उनका साझा जिंदाबाद, 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 भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जय 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 सुहलदेव जय सुहलदेव जय सुहलदेव जय सुहलदेव। अरे भाई खाना तो हर सबका पच गया का, तनी नारा जोर से लगावा जय सुहलदेव जय सुहलदेव। अरे बाबा जी के हाथ तक आवाज ना जाता, 2022 में जब कुर्सियां हमार के देव लेवा के हो, वो कुर्सियां से हटाओ बदे आवाज पहुंचावे के होई। जय सुहलदेव जय सुहलदेव। मानियो का साजबा जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद प्रजापति जी, श्रीमान अनिल चौहान जी अध्यक्ष राष्ट्रीय उन्नत पार्टी, राम सागर बिंद जी अध्यक्ष भारत माता पार्टी, बाबूराम पाल जी अध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी, हम सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं से निवेदन करेंगे कि माला पहनाकर हमारे सभी बड़े नेताओं का। मैं इस मैदान को भी देख रहा हूं, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा है, पीछे तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। केवल ये महापंचायत नहीं चल रही है, जरा मुड़ करके देखो दाईं तरफ, दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए अभी पीछे दिखाई दे, पीछे और जो हम टेंट के नीचे देखें अगर, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है, ये पीला रंग, पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें, देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है, लेकिन सोचो हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं इस मैदान में, और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे हो आदि ओमकार राजभर जी अच्छा जानते होंगे, जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है। और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा हो। उनकी जबान नहीं खुली, ओम प्रकाश राजभर जब बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकते, तो आज तक टाइम आ गया, वो 19 साल आज हो गए, काली से भी समय शुरू हो जाई न। अब मन बना ला, हम लोग तय कैले हई, हम लोग तय कैले हई, हम लोगन का योजना बा कि जोन किसानन का 11 महीना से धरना दे तुमन, ये किसानन का बात सुनात ना आई लोग के, भारतीय जनता पार्टी के नेतन के ना सुना था, इन्हने के लौकत ना बा, ये लोग के मोतियाबिंद भैल है, तो 2022 के चुनाव में इनके लोगन के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे। बोला कितना दिन करबा ने, और देखा आगे देखा भैया भाई, चलो मन हम चाहत थी कि देखा हम आने का सोच बा, विचार बा
कि हमारे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं, और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाह इनको 8 घंटे की दी जाती है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी इसको सुन लीजिएगा, जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है, 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से पीट करके वसूला जा रहा है। इसको रोकना है, बताओ रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। इसके लिए हम लोग तय करेंगे कि अब पुलिस विभाग भी ड्यूटी 8 घंटा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना है। और दूसरा काम क्या करना है, बॉर्डर सीमा लगा है, बलिया का सिपाही बांदा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद में, आजमगढ़ का आगरा में, अब बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने बगल के जिले में नियुक्ति देने का काम भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोगों को यह सही लग रहा है? और अब आप आगे सुनो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चौकीदारों की तनख्वाह जब 1,500 था तो 2,500 कर दिया, 1,000 रुपया बढ़ा दिया, और पूरे प्रदेश के चौकीदारों का आह्वान करता हूँ कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश पासवान करेगा। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिसने सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की, आपको बेसहारा छोड़ दिया, आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। आप बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए, राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।